नमस्कार दोस्तों, गौर से देखिए ये तस्वीर। ये तस्वीर मात्र स्वागत की नहीं है, इसके पीछे कई राजनीतिक संभावनाएं भी देखी जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह राजपूत समाज द्वारा आयोजित राजनीतिक चिंतन शिविर का नज़ारा है, जिसमें केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व किशनगढ़ सभापति दिनेश सिंह राठौर के साथ कई चेहरे नजर आ रहे हैं। आइए थोड़ा और खबर के नज़दीक ले चलते हैं आपको। किशनगढ़ में सामाजिक तौर पर आयोजित राजनीतिक चर्चा और मंथन शिविर में किशनगढ़ के वर्तमान सभापति दिनेश सिंह राठौर का रोल काफी ट्रोल होता नजर आया। कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में दिनेश सिंह राठौर का बिगुल तो नहीं बजने वाला है। प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले मार्बल मंडी किशनगढ़ में समूचे राजस्थान से, या यूं कहें अलग अलग राजस्थान के सभी जिलों से, राजपूत समाज के सैकड़ों ऊर्जावान और अनुभवी नेतृत्व रखने वाले सभी युवा और सीनियर सम्मिलित थे। हॉल में संबोधित करते हुए भगवान सिंह गोल साहब ने समाज सेवा और राजनीति में सभी को आगे आने की बात भी रखी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी, आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। खबर में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अपडेट आपको मिलते रहें। जिस तरह राजस्थान में 19 जिलों की घोषणा से एक बड़ी हलचल, जिसके कमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में सोशल मीडिया पोस्ट के अपडेट पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। राजस्थान में जिस दिन जिलों की घोषणा क्या हुई, एक एक कर अब सभी समाज संख्या बल प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा 19 जिले नए बनाए जाने पर। केंद्रीय मंत्री शेखावत रविवार को भाजपा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हरीश कुमावत के निधन पर शोक जताने नागौर कुचामन पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नए जिलों की घोषणा पर कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रश्न बेमानी है। हम सब जानते हैं कि केवल चुनाव के लाभ के लिए आनन फानन में इस तरीके का तुगलुकी फरमान जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं सुबह कुछ जिला अधिकारियों से चर्चा कर रहा था। जिला अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से जिलों में कौन कौन सी तहसीलें होगी। यहाँ तो स्थिति और भी हास्यास्पद है। दो जगह दो अलग अलग विधायक एक ही जिला बनने की अलग अलग मुख्यालय की खुशियों में लड्डू बांट रहे हैं और पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। आइए अब दोबारा ले चलते हैं आपको किशनगढ़ में आयोजित राजपूत समाज के राजनीतिक चिंतन शिविर की भावी संभावनाओं की ओर। किशनगढ़ के राजनीतिक नजरिए से इसे देखें तो कॉलेज समय से राजनीति में सक्रिय रहे दिनेश सिंह राठौर भी जिस तरह किशनगढ़ की त्रिकोणीय राजनीति में स्थापित हुए और दबे पांव आला कमान तक पहुंच बनाने में मशगूल हैं, वहीं एक बात और भी जग जाहिर है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। स्थानीय विधायक जो निर्दलीय सीट से जीते हैं, उनका और दिनेश सिंह राठौर का 36 का आंकड़ा कहा जाने वाला तकिया कलाम भी आए दिन लोगों के मुंह से सुनने में आता रहता है। यह पिछले वर्षों से सिलसिलेवार टीका टिप्पणी वाला माहौल कहीं आगामी बड़ी हलचल तो पैदा करने वाला नहीं है। राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले गहलोत के नजदीकी रहे किशनगढ़ विधायक जिस तरह राज्य सरकार से बजट ला रहे हैं और चुनावी फील्डिंग सेट किए हुए हैं, वहीं किशनगढ़ जाट बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी दिनेश सिंह राठौर अपनी जबरदस्त राजनीतिक पकड़ ऊपर तक बनाए हुए हैं। आज दिखाई देने वाला माहौल यह बयां कर रहा था कि राजस्थान में राजपूत समाज हर जिले से दावेदारी करेगा। मौजूदा लोगों की कानाफूसी से ये भी लग रहा था कि भाजपा के दिग्गज नेताओं से दिनेश सिंह राठौर की नजदीकियों के चलते आगामी विधानसभा चुनाव में राठौर दावेदारी भी कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह के विश्लेषण देखने के लिए लगातार बने रहें आगाज की आवाज पर। मैं ओम प्रकाश नाजवानी।